वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम 28 मार्च 2020 के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। सो अ लॉट टू नो एंड लॉट टू लर्न। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और चलिए हम इसको शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बैनी प्रसाद वर्मा जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है तो वो किस फील्ड से रिलेटेड थे? वो रिलेटेड थे पॉलिटिक्स से। अभी देख लीजिए इनके बारे में, ये हमारे फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रहे हैं। बड़ी अहम बात है, अब जब ये यूनियन मिनिस्टर हैं तो इनके ऊपर क्वेश्चन आने के आसार हो जाते हैं, बिकॉज एज ए मिनिस्टर अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वो एक इंपॉर्टेंट होता है इंडिया के लिए, पॉलिटिक्स की बात करें। और इन्होंने समाजवादी पार्टी का भी फाउंडेशन रखा था, समाजवादी जो पार्टी है उसका भी वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स थे, तो इन्होंने समाजवादी पार्टी का भी ये नीवकरण किया था। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हु कंट्रीब्यूटेड अ सम इक्विवेलेंट टू मंथ सैलरी? मंथ सैलरी के बराबर जो सम ये मान लीजिए कंट्रीब्यूट किया है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में, क्यों किया है? देखिए, बिकॉज ये जो कोविड-19 ये जो चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, इसके लिए वेरियस डोनेशंस आ रही हैं अलग अलग लोगों से। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू कौन है भाई? ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट है रविशंकर प्रसाद, ये हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं। रमेश पोखरियाल भी यूनियन मिनिस्टर हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा ई, ऑल। ये तीनों ने डोनेशन दिया है इसके अंदर अपनी एक मंथ की सैलरी का, और वेरियस बड़े बड़े लोगों ने भी इसके अंदर डोनेशन दिया है, बड़े एक्टर्स, हीरो, क्रिकेटर्स एक्सेट्रा सब ने इसके अंदर अब की बार डोनेशन कर रहे हैं, बिकॉज ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही बड़ी महामारी बन चुकी है और इसको एक टाइप से दुनिया में इकोनॉमी स्टेबिलिटी बिल्कुल खराब कर दी गई है। इसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है, सतीश गुजराल ने रिसीव किया पद्म विभूषण, ये कब किया भाई रिसीव? तो सतीश गुजराल ने पद्म विभूषण 1999 में रिसीव किया था। अब सतीश गुजराल जी का क्यों आया है जीके में, ये देख लीजिए। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर थे आई के गुजराल, उनके ब्रदर रहे हैं, उनके ब्रदर रहे हैं, और ये मान लीजिए ये फेमस थे अपने आर्किटेक्ट के लिए, ठीक है, आर्किटेक्ट के लिए फेमस थे, और इन्होंने बेल्जियम एम्बेसी बनाई थी, इसलिए फेमस थे बिकॉज इन्होंने बेल्जियम एम्बेसी जो है वो बनाई थी। और बेल्जियम एम्बेसी कहाँ पर है भाई? ये है न्यू दिल्ली में, तो न्यू दिल्ली में बेल्जियम एम्बेसी है, तो इन्होंने बनाई थी वहाँ पर, ठीक है। इसके बाद है, हाउ मेनी रुपीज हैव बीन डोनेटेड बाय सचिन तेंदुलकर टू फाइट कोविड-19? कितने रुपए डोनेट किए? ये किए भाई 50 लाख रुपए डोनेट किए हैं। और हमारे जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं सौरभ गांगुली जी, उन्होंने भी 50 लाख देने का, ये मान लीजिए डोनेशन देने का प्रॉमिस किया है। और वेरियस अदर प्लेयर्स, इरफान पठान जैसे बहुत सारे प्लेयर्स ने भी अब की बार डोनेशन इसमें किया है कोविड-19 को फाइट करने के लिए। और ये सारा डोनेशन देख लीजिए, आपने पिछले क्वेश्चन पीछे दो क्वेश्चन पहले भी पढ़ा था कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में ही जाएगा ये सारा, और ताकि सभी को बराबर का ये मान लीजिए डोनेशन में सबकी हेल्प हो जाए। इसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, द सीएम ऑफ विच स्टेट अनाउंस्ड एन इकोनॉमिक पैकेज टू फैमिलीज विदाउट अ गवर्नमेंट जॉब? तो भाई कौन से स्टेट के सीएम ने एक इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया है उन फैमिलीज के लिए जिनके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है? तो वो किया है भाई सिक्किम राज्य के सीएम ने, सिक्किम राज्य ने जो सीएम उन्होंने ये अनाउंस किया है, और इनके जो सीएम है वो है पी एस तवांग इनके सीएम है। और अब थोड़ा सा जान लेते हैं स्कीम के बारे में, मतलब जो इकोनॉमिक पैकेज इसमें क्या क्या इंक्लूड है। इसके अंदर इन्होंने इंक्लूड किया है, देखिए, ऑयल, इसके अंदर इंक्लूड किया इन्होंने ऑयल, सॉल्ट, पोटैटोज और अनियंस, ये कुछ चीज़ें इन्होंने इंक्लूड की हैं। बेसिक सी चीज़ें हैं जिनसे इंसान मीन्स मान लीजिए अपना फूड प्रिपेयर कर सकता है। और अब जान लेते हैं हम थोड़ा सा सिक्किम के बारे में। सिक्किम का जो स्टेट एनिमल है वो है रेड पांडा, तो रेड पांडा तो इसका है स्टेट एनिमल। और जो स्टेट बर्ड है वो है ग्रीन इंपेरियल पिजन। कौन है भाई? ग्रीन इंपेरियल पिजन। बिकॉज देखिए ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई इकोनॉमिक पैकेज कितने का है या किसने अनाउंस किया, मेनली है कि किस स्टेट में हुआ, तो स्टेट के बारे में भी आ जाता है क्वेश्चन कई बार कि बताइए भाई सिक्किम के अंदर उनका स्टेट एनिमल कौन है, बर्ड कौन है। और इसके अंदर एक दो नेशनल पार्क हैं जिनका नाम है मुरलेन नेशनल पार्क एंड ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। तो देखिए कुछ नेशनल पार्क के नाम भी याद करने पड़ेंगे आपको, बिकॉज नेशनल पार्क भी जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज कन्वर्टेड द जोरम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एज द ट्रीटमेंट एंड आइसोलेशन सेंटर? अब जो ये मेडिकल कॉलेज है जोरम, इसको आइसोलेशन सेंटर बनाया कोविड-19 के लिए, ये स्टेट है मिजोरम, तो मिजोरम ने इसको आइसोलेशन सेंटर बना दिया गया है। और अभी हम मिजोरम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं,
इसका जो स्टेट एनिमल है वो है सुमत्रन सैरो, तो सुमत्रन सैरो इसका जो स्टेट एनिमल है। ओके, और इसका जो स्टेट बर्ड हो जाएगा वो जाएगा मिसेज ह्यूमेज फीजेंट, ये लिख देते हैं यहां पर फीजेंट। नेक्स्ट, इसके अंदर एक नेशनल पार्क है वो, इसके अंदर ये मान लीजिए इसके नेशनल पार्क के अंदर आएगा मुरलेन, और जो सिक्किम का था, सिक्किम के अंदर एक है बड़ा इंपॉर्टेंट, एक और है वो है कंचनजंगा, कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और मुरलेन इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, वो पिछले में इसमें हमने सिक्किम में लिख दिया था, लेकिन वो आएगा मिजोरम के अंदर, उसको करेक्ट कर लें। इसके बाद है विच ऑफ फॉलोइंग सेड दैट वर्ल्ड वर्ल्ड इज एंटरिंग रिसेशन। रिसेशन क्यों भाई? बिकॉज जो COVID-19 ये बीमारी चल रही है, इसकी वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो रही ही नहीं है, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है तो रिसेशन आ जाता है, मतलब बार बार दाम गिरना चीजों का, और उसको भरपाई करने में टाइम लगता है। तो ये बोला है आईएमएफ ने बोला है, और इसको बोला है कि कब तक रिकवरी हो जाएगी, हो जाएगी भाई 2021 तक ये रिकवरी होने की बात कही है, और ये भी तब होगी जब सभी लोग, सभी देश COVID-19 बीमारी से निजात पा जाएंगे, बिल्कुल हट जाएगी ये बीमारी, तभी होगा। नेक्स्ट है द SMS हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल है और किस शहर में ये कंडक्ट कर रहे हैं, सीरीज ऑफ ट्रायल्स कर रहे हैं, एक ह्यूमन टाइप का रोबोट है जो उसको चेक करने के लिए, उसको ताकि उसको सिखाया जाए कि भाई आपको मेडिसिन और फूड डिलीवर करना है किन पेशेंट्स को, भाई COVID-19 के जो पेशेंट है उनको। तो ये कहाँ सिखाया जा रहा है भाई? ये सिखाया जा रहा है जयपुर के अंदर, ये ट्रायल्स चल रही है इस हॉस्पिटल के द्वारा, SMS हॉस्पिटल के द्वारा, एक ह्यूमन रो टाइप के रोबोट, ह्यूमनॉइड रोबोट होते हैं जो, ठीक है, उनके ऊपर ये ट्रायल चल रहा है कि भाई आप पेशेंट्स को मेडिसिन और फूड डिलीवर करें, बिकॉज ये बीमारी, ये मान लीजिए फैल जाती है मनुष्य से मनुष्य को, तो इसलिए बोट्स विल बी मोर बेनिफिशियल। इसके बाद हमारा 9th क्वेश्चन है, टू डिफीट द कोरोना वायरस विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन नमस्ते। तो भाई किसने ऑपरेशन नमस्ते लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है भाई इंडियन आर्मी ने, और ये नमस्ते लॉन्च क्यों किया गया? देखिए बाहर से भी लोग आ रहे हैं तो, और नमस्ते हमारा जो एक मोटो बन चुका है पूरी दुनिया का COVID-19 से निजात पाने का, सभी लोग नमस्ते को प्रेफरेंस दे रहे हैं, बिकॉज टच तो करना ही नहीं होता, आपस में हैंडशेक वगैरह अलाउड है नहीं, तो इंडियन आर्मी ने किया है, और इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी निकाला गया है, उस हेल्पलाइन नंबर की मदद से ये ऑपरेशन को आगे सक्सेसफुल किया जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हु वाज ऑनर्ड विद IIFTC टूरिज्म इंपैक्ट। भाई टूरिज्म पे इंपैक्ट के लिए, भाई हाँ यस, इस इंसान की वजह से टूरिज्म हमारा एक अच्छे उस सीढ़ियों पे चढ़ा है, एक फर्क पड़ा इस चीज से, तो ये अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है भाई जोया अख्तर को। जोया अख्तर ये एक मीन्स मान लीजिए ये इसके अंदर शामिल है जो हमारी ये जो फिल्म इंडस्ट्री, इनके अंदर लिंक है इनका, और इसके अंदर इन्हें ये काम करते हैं। सो होप यू लाइक द वीडियो, और जाने से पहले लाइक कर दें, शेयर कर दें, और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसको, बिकॉज ये जितने भी जीके क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं 9 बजे या तो लाइव या फिर अपलोड किया जाता है, आपके लिए किया जाता है, बिकॉज ये NDA CDS वेरियस जितने भी एग्जाम्स होते हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है, डेली करंट अफेयर है, इसको साथ साथ कर लें तो बेनिफिशियल रहेगा। सो थैंक यू।